वीडियो में हम राजस्थान ग्रेड फर्स्ट जीके पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो ये है बुकलेट, किस तरह का पेपर आता है वो आप देख सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या होगी 75, समय होगा, प्रश्नों की संख्या होगी 75 और समय होगा 1.5 घंटे का, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, मतलब 150 अंक का पूरा पेपर होगा। निर्देश है और 1/3 माइनस मार्किंग होगी गलत उत्तर की। और इसके अलावा और निर्देश भी दे रखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n हमेशा किस से विभाजित होती है? तो ये विभाजित होती है केवल 5 और 13 से। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए क्यू प्लस सॉरी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हो तो अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 9x² माइनस 27x प्लस 20 बराबर 0। तीसरा प्रश्न, इसमें कथन दिए गए हैं। तो महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी होगी? तो इसका निष्कर्षण निकालना कठिन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर सेकंड आर सफिशियंट, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है। अगला, एक घर में पानी के अलग-अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? पाई चार्ट ऑप्शन 1, गैर संत और पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है पिछवाई ऑप्शन 2,
ऑप्शन दो हो जाएगा। यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शन को कूट भाषा में सॉरी, तो यहाँ प्रोडक्शन को डबल क्यू पी सी बी बी इस तरह से लिखा जाता है, तो ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन, आठ सेमी भुजा का एक बड़ा घन दो सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है, तो बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार पहले जैसा ही रहेगा, ऑप्शन फोर इसका आंसर होगा। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था केसरी सिंह वारैहट। यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य होगा। करेक्ट आंसर होगा 11, सही 1/3, ऑप्शन 3। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन फोर। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा? ये कहा था तुर्की सुल्तान का महल, ऑप्शन एक। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये है जैसलमेर शहर में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 16:25 होगा। मैथ के सवाल आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त के रचयिता रचयिता कौन है? विशाखा दत्त, ऑप्शन फोर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा?
जलालाबाद ऑप्शन तीन। भोजी लंबड़दार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर किसान आंदोलन, गणेश्वर की सभ्यता, संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ये ताम्र युगीन सभ्यता है ऑप्शन एक। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है? महाराणा राज सिंह। अरली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है। दशरथ शर्मा ऑप्शन दो। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी 8 मीटर होगी। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा आभानेरी। आभानेरी दौसा जिले में है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? आहड़ सभ्यता। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्थानीय। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? जगत जननी। जगत में आधा हलंत आता था, जगत इस तरह से आता तो सही होता। कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन फोर और ऑप्शन तीन, ये दोनों में से कोई सा सही होगा। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन तीन सही होगा, यानी कि औदार्य सही है, प्रवर्तक भी सही है और यौवन भी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोद धब्बा। अब ये हिंदी खत्म हो गई, इंग्लिश आ गई। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। सी सेड दैट सी वुड लाइक टू सी इट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द बॉयज। इसमें बाज आएगा ऑप्शन एक। बाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फाउंड फंड फंड एफ रिलीफ फंड। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमाइनर। ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चेंज।
मैनी ऑप्शन तीन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वन। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाई ऑल हिज रिलेटिव्स। हाँ द करेक्ट एंटोनोम ऑफ इनिग्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियरिटी ऑप्शन फोर। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाला कारक है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। नेता का व्यक्तित्व, सदस्यों का व्यक्तित्व भी है, समूह के सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन दो। नेक्स्ट है, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांश प्रभावित करता है, अरब सागर और उच्चावच विशेषता। अक्षांश, अरब सागर, उच्चावच विशेषता, एसीडी। एसीडी तो ऑप्शन तीन सही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन तीन। कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? तो ये बाड़मेर, सांचौर बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। सभी होंगे इसमें, जैसलमेर, बीकानेर, विंध्यन और बाड़मेर। पहली से पांचवी कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है, तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ शिक्षक अनुपात बताएं कि शिक्षक अनुपात की ट्रिक है हमारे पास कि 30 पे 1 होता है, तो 60 पे 2, 90 पे 3। तो 60 से 90 है तो 3 होंगे ऑप्शन फोर। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, यानी कि सब के सब सही है। यह 3 चरणों में आयोजित हुई। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित हुई। तकनीकी रूप से कुशल और आरटी और आईटीआई युवा में भी इसमें भाग ले सकते हैं। यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। तो इसमें सारे के सारे कूट सही है।
गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? तो इसके पहला सही है, तीसरा सही है, तीसरा चौथा और ये दूसरा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी ऑप्शन एक यानी कि ऑप्शन वन सही होगा। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ऑप्शन एक। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्य राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट यानी ईटिंग राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया? पहला दर्जा हासिल किया। जून 2022 में अबनी लखीरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? उसका स्कोर है 458.3 है। किस रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था? उपन्यास के लिए दिया गया हम यहाँ थे। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो यहाँ कौन से कूट सही है वो बताए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर यानी कि तीनों ही सही होंगे। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री अपराध भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण गैर निवास। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजना के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम बताना है। तो यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट
ऑप्शन तीन, सॉरी ऑप्शन तीन होगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखाना एवं परवलई, बरखाना एवं पवन विमुखी रेखीय, ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? यह है अनुच्छेद 78 में लागू होती है, ऑप्शन एक। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण है। समजात अंग हो जाएगा, ऑप्शन दो। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, लूनी और पार्वती, बाकी सब सुमेलित है। लूनी चंबल की नदी है। फिर सूची को सूची से मिलाना है। और सही कूट का चयन करना है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर। सेकंड, तो इसका पहला ही इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात है 9.33 और सॉरी 933 और 914, ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य होगा 62.50 kg कार्य करना होगा, ऑप्शन दो सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जयपुर, ऑप्शन तीन, सॉरी ऑप्शन तीन होगा। ऑप्शन तीन। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? कोयम्बटूर, उत्तर से साईनगर,
तक। ऑप्शन एक, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 2019 से। सोने की भूगिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है, बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन दो, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तेरह अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जैसे इसका आंसर मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 63 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्य में शामिल नहीं है? तो इसका भी हमें बाद में देंगे, डिस्क्रिप्शन में देंगे। और यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी, ए सी ऑप्शन 4 सही होगा। RSCERT का विस्तारित रूप है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन 1 पहला सही होगा। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं? जालौर, सिरोही, बाड़मेर, ऑप्शन 2। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe(H2), Fe3O4 और H2O के गुणांक क्रम से क्या होंगे? तो इनके गुणांक हो जाएंगे 3, 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4, 1, 4, ऑप्शन 4। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशन में, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 1 तेलंगाना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है? सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसने प्रदान किया? सॉरी, किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया था डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को, सॉरी डॉक्टर महेंद्र भानावत को, ऑप्शन 1। डाइट का उद्देश्य नहीं है, स्कूलों में दीक्षा
राइज कार्यक्रम का संचालन करना। ऑप्शन दो, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे। ऑप्शन दो, ये कूट का मिलान करना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। दो तीन चार एक हो जाएगा इसका। आरटीई 2009 की धारा 25 संबंधित है। तो जिन प्रश्नों के उत्तर इसमें नहीं बताए गए हैं उनके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना।